क्षमता को एकदम सही बोली है, लेकिन कॉपी में देख कर बोल रही है कैसे ही। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, याद है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी परमाणु द्वारा, देखो लब्धि का मतलब होता है लाभ होना चाहिए उसको, तो लाभ कब होगा जब आप ग्रहण करेंगे, ये ट्रिक मैंने बताया था आपको। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ये माइनस में भी होता है, धनात्मक भी होता है। अब आपको हम बता देते हैं कि जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं ये अस्थाई होते हैं, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है धनात्मक होता है। लिया ही नहीं है, लेता तब ना ऋणात्मक होता है, लेने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अस्थाई संरचना होता है, लेता ही नहीं है। तो लिख लेना वर्ग 18 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होता है। छ नंबर आ जाओ भौतिक गुण के पास, नोट कर लो। देखिए आप बार